क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राधा है, मैं संजय की भाभी हूँ। अभी कैसे क्या घटना हुई थोड़ा बताएं। सर बिना फालतू में वो आपस में कोई दूसरे यहाँ लड़ाई हो रही थी, एक लड़का आया विशाल, वो आके उनको गुम्मा मारने लगा। सर हम भी खड़े थे तो मेरे सर मुंह में भी लग गया यहाँ पे। सर मेरे देवर लोग आए बोले, समझाने लगे पिए खाए तो बेटा घर जाओ, किसी ने यहाँ सामने से एक गुम्मा उनको मारा। तो बस सर इतने में वो जो लड़के ने गुम्मा मेरे यहाँ पे मारा था, वो पाँच छः भाई थे, वो डंडा लेके आए और मेरे सर देवर के सर में चार पांच डंडा मारा, और एक भाई छुरी छुपाया था, चार पांच छुरी उनके पेट में मारा और गले में मारा। कहाँ ले गए उनको? हालत लेके गए, बता रहे उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। अच्छा, क्या अभी कोई पकड़ा गया? पुलिस आई मौके पे? सर पुलिस आई है, उनको ढूंढ रही है। कोई विवाद था पुराना कोई? सर कोई विवाद नहीं था, ऐसे छोटा मोटा झगड़ा था। तो नशे में थे क्या बोले सारे लोग? वो लड़का सिर्फ नशे में था विशाल, बाकी उसके भाई कोई नशे में नहीं थे। कैसे रहेंगे दीदी, हम तो बहुत चाहने लगे थे, मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। जो नहीं ये आज करीब रात में 10:30 बजे गोविंद नगर थाना क्षेत्र में कच्ची बस्ती स्थित दो व्यक्ति नंदन और विशाल आपस में जो है किसी बात पे झगड़ा कर रहे थे, तो जिसमें विशाल ने जो है एक ईंटा उठा के जब उसको मारा तो वो एक पड़ोस में रहने वाली एक महिला उस राधा पत्नी संतोष को लग गया। इस पे जब उसके देवर संजय सवारिया ने विरोध करा तो विशाल उससे विवाद करने लगा और फिर अपने कुछ साथियों को बुलाकर वहाँ पर लाठी ईंट पत्थर से और चाकू से उसको घायल कर दिया, जिस पे संजय के परिजनों द्वारा उसको जो है अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा जो है तत्काल मौके पर पहुँच के जो है जांच शुरू कर दी गई है, तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जाएगी और टीमें रवाना करी जा चुकी हैं, जिसमें कि जिन लोगों का नाम सामने आया है विशाल सहित, उनको तत्काल गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रयास चल रहा है और शीघ्र आज कुछ ना कुछ हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। नहीं, इससे पूर्व कोई घटना की बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, ये एट रैंडम ही जो है दो अन्य लोगों के बीच विवाद हो रहा था और उसमें जो है राधा को जब ईटा लग गया तो उसके क्रम में ही जो है ये पूरी घटनाक्रम आगे हुआ है। जो जानकारी आई है कि विशाल और उसके साथी नशे में थे और उसी स्थिति में उन्होंने ये घटना कारित करी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।